242945 ज्योति ज्योति तुम्हारे लिए खबरी खुश है। अरे हाँ वही वही खुशखबरी। मैं जो हूँ ना मैं अस्पताल में जितने वार्ड बॉय है ना उनकी यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। बस अब तुम जल्दी से बीमार होकर अस्पताल चली आओ, फिर देखो मेरे विटामिन एम में जो तासीर है वो किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं है। एक मिनट हाँ ज्योति, अगर डार्लिंग तुम बीमार नहीं हो सकती हो तो वो जो तुम्हारा बाप है ना पापी कठोर कसाई उस मेंढक को यहाँ फौरन भेज दो ताकि मैं उसकी टटर हमेशा के लिए बंद कर दूं। हैं? क्या क्या था? हम इतना दर्द इधर कहा तुम सुनता नहीं। ज्योति डार्लिंग वो कमला सर्कस से एक हथनी छूटकर चली आई है, मैं 10 मिनट बाद में फोन करता हूँ। सर तुमको हमारा नाम किसने बताया? हम कमला जी है। बीमारी का नाम है डोनेशन। डोनेशन ना बीमारी का नाम। अच्छा जो ये सर हम बीमार नहीं है, हम डोनेशन देने को आए थे। काहे का डोनेशन? अच्छा तुम चुप कर अप्पा वाना जा रहा है अप्पा वो कहते ना तुम तुम्हारा कर दे। हाय क्या कहा? मुझे बंसी के बारे में कुछ नहीं कहो वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। ज्योति जब से तुम मुझसे नाराज हुई हो मेरी आंखों की रोशनी फिर से कम होती जा रही है। फिर वही ढोंग, मुझे बात मत करो। ज्योति तुम ऐसा ना कहो, तुम ऐसा ना कहो वरना एक दिन मजनू की तरह मैं भी पागल हो जाऊंगा। फिर तुम्हारे मोहल्ले के लोग मुझ पर भौंकेंगे और तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते मुझ पर पत्थर मारेंगे। अच्छा बाबा आई एम सॉरी। अच्छा सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। पिताजी मान गए। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं मैं सच बोलती हूँ। अरे तो कहाँ है वो महान हस्ती, कहाँ है उसके चरण? कौन कहता है, कौन कहता है कि माँ के पांव के नीचे स्वर्ग होता है? ये क्या कहता? अरे मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ससुर के पांव के नीचे स्वर्ग होता है। हाँ, होता है कि होता है कि होता है। हाँ मैं तो बर्बर सोचूं, बहुत सोच मैं तुम जरूर ताकि करूँगा। उठो मैं आता हूँ। ससुर जी एक आइडिया। कौन सा आइडिया? मैडोलिन तुम भी आके सुनो। ससुर जी अपना राजन हूँ, राजन और आशा की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, क्यों ना उसी मंडप में हम दोनों के भी फेरे हो जाए। खर्चा कौड़ी करनी है और मंडप फ्री। मंडप फ्री है, खर्चा कौड़ी करनी है जरूर और मंडप फ्री। अब ज्योति आपकी बेटी है ना? है कि नहीं आपकी बेटी? है। एक 10-15 जोड़े मेरा मतलब सलवार कमीज और साड़ी उसके लिए और 25-30 सूट आप मेरे लिए बना दीजिए। सूट और खर्चा कौड़ी करनी है, मंडप फ्री है। मंडप फ्री, मंडप फ्री। एक मोटर दे दीजिए। मोटर? मोटर में तो फटफटी चलेगी। आपकी बेटी को फटफटी के पीछे बिठाकर सारे शहर में घुमाऊंगा। खर्चा कौड़ी का नहीं, मंडप फ्री है कि नहीं? मंडप फ्री, खर्चा कौड़ी का नहीं। ससुर जी, ससुर जी ये सारा इंतजाम आप करिए, बाकी का इंतजाम मैं करूंगा। खर्चा कोई का नहीं है, 10,000 का खर्चा बता के। मंडप तो फ्री है ना? मंडप तो फ्री है, मंडप तो फ्री है। अरे की तरह पहरा दूंगा। डरपोक कहीं डरपोक मालूम पड़ेगा, धप कर।
देगी मोटी है। देखा तेरी वजह से मेरे थोबड़े की हालत क्या हो गई। मेरी वजह से दूंगा एक और तुम्हारा दिखा के इंसल्ट करवा दे। मेरी हिरनी जैसी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकते। और शट अप, एक तो केक मुंह में मार दिया, ऊपर से खटखटा रही है, चाबी मेरे पास अंदर ही बंद है। चलो काउंटर पे चल के पूछते हैं। चलो पीछे क्या देख रहे हो भाई, आगे देखो। भाई साहब, आशा 10 नंबर के कमरे में रहती है। रहती थी। क्या मतलब? आज सुबह उन्होंने होटल छोड़ दिया। आपकी ये हालत? माइंड योर ओन बिजनेस। मैं ना कहता था कि वो 10 नंबर के कमरे में रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कोई दूसरी होटल गए होंगे। ऐसा करते हैं हम कपड़े बदल के उन्हें ढूंढते। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम अकेले जाकर ढूंढो और मैं चला अपनी ज्योति के पास, चार चिनार। ऐसा करते हैं। बंसी बनाया बंसी को, वो तो मुझे ढूंढने चार चिनार गया होगा। क्या कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो तुम हो। अरे कश्मीर में जलजला? अब बोलो किसने किसको उल्लू बनाया? तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे पीछे पीछे आया मत करो। अरे पीछे पीछे कौन आया, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बंसी बच गई बंसरी। तुम कितने अच्छे लड़के हो, मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं तो कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोला हूँ। और हैंडसम भी हो। नहीं, मेरे पास सिर्फ हैंड है, सम नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे मेरी कमर, मेरी कमर, मेरा कमरा किधर है? कमरा वाले, चार चिनार ले चलो। ओ गचपक गचपक तरतिया ये लालली दी दरा दरा दी कोट वाले जरा तेज चलाओ। मैंने कहा आधा वर्ष है। ओ मक्का पाजी, दी दा 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 दी दा दा। मैं कहती हूँ रोक दो, रोक दो बोट को। मैं कहती हूँ रोक दो बोट। शाबाश, देखे ना मेम साहब, बराबर पहुंचा दिया ना।